मैं आपकी परी, आप सोच रहे होंगे फिर आ गई, पर मैं आज कुछ सिखाने नहीं बताने आई हूँ। आज मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है, गैस करो क्या? आप सोच रहे होंगे मेरा बर्थडे? नहीं, आज मेरे दादा दादी की एनिवर्सरी है। आज मैं, मेरी बहन और मैं उनके लिए केक बनाने वाले हैं, और मेरी मम्मा उनके लिए छोले भटूरे, खीर और पकौड़ी बनाने वाली है। सरप्राइज है, किसी को बताना नहीं। पता है मेरे दादू को पकौड़ी बहुत पसंद है। आज उनकी 51 एनिवर्सरी है ना, इसलिए चलिए मैं आपको अपने सारे फैमिली मेम्बर से मिलाती हूँ। चलिए, मेरे सबसे बड़े दादू हैं, तो चलिए दादू के पास चलते हैं। फ्रेंड्स, ये हमारे दादू हैं, आज इनकी 51 एनिवर्सरी है। चलिए इनके पूछते हैं कि इतने सालों में इनको अपनी वाइफ के साथ क्या फीलिंग आई, कैसा लगा, चलिए बताइए। और हमारी शादी को 51 वर्ष के वर्षगांठ मनाइए। हम एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह प्यार करते हैं और एक दूसरे का ख्याल भी अच्छा रखते हैं। उनके हर एक काम में मैं उसका हाथ बटाता हूँ। कभी वो मेरा काम कर देती है तो मैं उसका भी काम करता हूँ, और हर काम में उसका हाथ बटाता हूँ। चलिए फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं दादी के पास। देखिए मेरी दादी हैं, चलिए इनसे पूछते हैं कि इनके शादी को 51 इयर्स हो गए, इतने इनने अपने हस्बैंड के साथ क्या क्या किया, क्या फीलिंग हुई इनके साथ, चलिए बताइए दादी। मैं बहुत अच्छी फीलिंग हुई, लड़ते झगड़ते 51 साल निकल गए, पता भी नहीं पड़ा। आज मैं 68 साल की हो गई हूँ, लेकिन मैं यही चाहती हूँ मेरी हरदम ऐसे ही लड़ते झगड़ते जिंदगी निकल जाए इनके साथ। देखिए फ्रेंड्स, अपनी फीलिंग तो बताइए। हाँ, कह तो रही हूँ ना, बहुत अच्छे निकले और ऐसे सबके निकले, अच्छी जिंदगी निकल गई मेरी। फ्रेंड्स चलिए अब अपने पर चलते हैं पापा के पास। ये मेरे पापा हैं। पापा, दादू दादी के सालगिरह को 51 इयर्स हो गए, आप उनके बारे में कुछ कहना चाहते हो? जी हाँ बिल्कुल, आज बड़ा ही खुशी का दिन है, क्योंकि आज मेरी मम्मी और पापा की शादी की 51वीं सालगिरह है, और मुझे बहुत ही अच्छा दिन लग रहा है। और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हमेशा उनका साथ और आशीर्वाद उन पर बना रहे। फ्रेंड्स, पापा ने तो अपनी स्पीच दे दी, चलिए अब मम्मा के पास चलते हैं, उनकी क्या स्पीच होगी। दोस्तों, ये मेरी मम्मा है, इनसे पूछते हैं क्या बना रही है। मम्मा क्या बना रहे हो? छोले भटूरे। मम्मा, आज आपके सास ससुर की 51 एनिवर्सरी है, प्लीज उनके बारे में कुछ कहना चाहती हो? हाँ मैम। हेलो दोस्तों, आज मेरे सास ससुर की 51वीं एनिवर्सरी है, और उस उपलक्ष्य में मैं सरप्राइज देना चाहती हूँ उनको, छोले भटूरे बना के। पापा जी को पकौड़ी बहुत पसंद है, तो सोचा क्यों ना पकौड़ी भी बना ली जाए, तो पकौड़ी बनाई जाएगी और छोले भटूरे। बस भगवान से यही दुआ है कि उन दोनों का आशीर्वाद हम पर हमेशा बना रहे। चलिए अब हम चलते हैं मेरी छोटी बहन के पास। साथी मिल गए, बैलून फुला रहे हैं। ताना दीदी आप क्या कर रही हैं? मैं बैलून फुला रही हूँ अपनी दादी दादी के लिए। आप कुछ कहना चाहती हैं अपने दादी दादी के बारे में? हाँ बोलिए। मेरे दादू दादी मेरी पूरी दुनिया की सबसे अच्छी दादू दादी है। मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ, और जब भी मम्मी मुझे मारती हैं मेरी दादी मुझे बचाती हैं, और मेरे दादू हर चीज़ में मेरी मदद करते हैं, और जो भी मैं कहती हूँ वो चीज़ ला के देते हैं। थैंक यू। अब मेरे भैया से पूछ लेते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं अपने दादू दादी के बारे में। भैया बताओ, आप क्या कहना चाहते हैं अपने दादू दादी के बारे में? और मैं दादू दादी से बहुत प्यार करता हूँ। फ्रेंड्स, आज दादू दादी की 51 एनिवर्सरी है, इसलिए मैं अपनी छोटी बहन से कहना चाहती हूँ कि आप कुछ दादा दादी के बारे में कहें। हेलो, मैं हूँ मनीषा। मेरे दादू दादी बहुत अच्छे हैं और वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। जब भी वो मेरे घर आते हैं मेरे लिए कुछ ना कुछ लेके आते हैं, और मैं अपने चाची चाची दादी दादू सबसे प्यार करती हूँ। और आज मेरे दादू दादी की सालगिरह है। हाय, हैप्पी एनिवर्सरी टू यू नानू। हैप्पी एनिवर्सरी मम्मी पापा। मैं आई मिस यू, मैं बहुत मिस कर रही हूँ। मैं चाहती थी आपके पास आऊँ, पर ये कोरोना की वजह से मैं आ
मैसेज दे रही हूँ कि आपको बहुत बहुत बधाई हो और आपका आशीर्वाद हम पर सदा इसी तरह से बना रहे हैं। जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा हम फटाफट से वहाँ आ जाएंगे और फिर अपन एक और मस्त बड़ी सी सब लोग मिलके पार्टी करेंगे। हैप्पी एनिवर्सरी।